यीशु के ज़िंदा और जली नाम में आप सब की सलामती हो मैं पास्टर दिल आइजिक खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर मुझे मौका दिया गया कि मैं किंग्स टेलीविज़न पर आकर खुदा उनके कलाम की खूबसूरत खदमत कर सकूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर जॉन एडी साहब का सिस्टर रेचल का और तमाम टीम का जिन्होंने एक बार फिर मुझे वदू किया और मैं आज जो खुदा के कलाम में से आपके साथ डिस्कस करूँगा बड़ी ख़ूबसूरत बात है कि जो हमारा खुदा है जिसने हमें पैदा किया जिसने हमें इस लाइक किया कि हम उसके नाम को जलाल दें वो बड़ा भला है वो अच्छा खुदा है वो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है वो हमें दुख तकलीफ़ परेशानी मुसीबत में एक लम्हा के लिए भी देख नहीं सकता बाइबल मुक़दस बयान करती है कि उसने अपना कीमती कफ़ारा जो दिया है वो इसलिए दिया कि हम शाद माने की ज़िंदगी बसर करें खुशी सलामती में मूव करें और मैं आज जो कलामी हक़ में से आपके लिए खूबसूरत आयत रीड करूँगा वो अबरानी तेरा बाप उसकी आयत नंबर आठ है जो बड़ी ही खूबसूरत है और यहाँ पर हमें बड़ी ब्लैसिंग मिलती है और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा खुदा जो है वो यकस है यहाँ पर लिखे आठवीं आयत में यसु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यक्सा है हाँ यक्षा का मतलब ये होता है कि एक जैसा है हम जिस यीशु मसीह को मानते हैं और जिसके नाम के वसीला से हमारी पहचान है हम मसीही हैं उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो कल जो आने वाला कल है जो गुजर गया है और आज बल्कि अब तक हाँ अब तक जब तक ये दुनिया कायम है जब तक यीशु मसीह की दूसरी आमद नहीं होती तब तक हमारा यीशु मसीह यक्षा है हाँ वो भला है और उसकी भलाई जो है वो हमने अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ानदानों में देखी है ये हमारे खुदावंत की क्वालिटी है कि वो किसी लम्हा भी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है और उसके लिए अगर मैं एक और आयत देखूं तो यहाँ पर हम देखेंगे मलाकी उसका तीसरा बाब और उसकी आयत नंबर जो है छः है यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ इसी लिए अ बनी यकूब तुम ने नहीं हुए हाँ ललोया हाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि मैं ला तब्दील हूँ मैं किसी लमह भी तब्दील नहीं हुआ इसीलिए ए बनी यकूब तुम ने नहीं हुए तुम मिटे नहीं तुम ख़त्म नहीं हुए क्योंकि मैं ला तब्दील हूँ जिस तरह मैंने पहली आयत में पढ़ा कि वो यक्षा है वो ला तब्दील है तो हम देखते हैं कि हमारे जो काम है, जो यहाँ पर दर्ज भी कर दिया गया कि हमारे काम ऐसे नहीं हैं कि खुदा हमें माफ़ करे मगर उसने एहद किया रिजलॉट उसने अपने नबी से ये हद किया कि मैं आज के बाद उसकी खलकत को पानी से लाख ना करूँगा तो उसने ना किया और हम देखते हैं कि वो आज तक हमसे मोहब्बत किए आ रहा है वो हमें ब्लैसिंग्स पर ब्लैसिंग दे रहा है और हम देखते हैं कि हमारा खुदा तो ला तब्दील है मगर हम हर रोज़ तब्दील हो रहे हैं जलोर उसकी शिफत मौजूद है उसकी ब्लैसिंग मौजूद है वो आज और कल हमें ब्लैसिंग देने के लिए मौजूद है मगर हम उस ईमान के से जो शायद आज कलीसिया का कमज़ोर है इस कदर कमज़ोर है कि हम बाइबल मुकदस की दाकतों पर भी गौर नहीं करते ये नहीं देखते कि मेरा खुदा जोरावर है वो अच्छा है वो यक्षा है वो हर एक काम करने की क़वत रखता है बाइबल मुकदस में से हमने देखा कि जिस खुदावंत के लिए हम यहां पर आज खुदा की खिदमत कर रहे हैं खुदा के कलाम को सीख रहे हैं जी रहे हैं अगर उसकी क़वत का अंदाज़ा करना है तो हम देखते हैं कि जब मुल्क मिसर से खुदा ने इसराइली को निकाला तो क्या हुआ सामने समुंदर है उस खुदा ने क्या किया उसने अपने नबी को कहा मूसा को कहा कि इस पर आशा चलाओ ये क्या होगा दो हिस्सों में तकसीम होगा और मेरी कौम इसमें से गुजर कर क्या करेगी जिंदगी पाएगी बच जाएगी वादे की सर जमीन पर पहुंचेगी मैं जिक्र कर रहा हूं कि मेरा खुदा आपका खुदा यकसा है अगर उस लम वो समुंदर के दो हिस्से कर सकता है तो वो आज भी कर सकता है हम देखते हैं कि उसी पैगाम में उसी हिस्सा में खुदांद आसमान से मन बरसाता है वो अपने लोगों को खुराक मुहैया करता है वो खुश्क चटांग से चश्मों को जारी करता है तो मेरा खुदा तब भी यक्षा था आज भी यक्षा है वो अभी भी जोरावर है वो अभी भी भला है वो अभी भी आपको माफ़ करने की क़वत रखता है वो अभी भी आपको बहाल रखने की कुवत रखता है मैं दोबारा कहूंगा कि हमारा खुदा ला तब्दील है मगर खुदा की कलीसिया तब्दील हो जाती है हमने इसराइलीओं को भी देखा जिनके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि तुम तुम्हारे काम ऐसे नहीं कि तुम आ, जो है बच जाते मगर क्योंकि खुदा ला तब्दील है इसलिए तुम अभी तक नहीं हुए तो हमें अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में लेके आने है। खुदा के कलाम के मुताबिक हमें आगे चलने की जरूरत है जी हादल और अपनी तब्दीली को छोड़ दें ईमान में इस कदर बुलंद हो जाएं कि खुदावंद की वो तमाम तरकूवत जो बाइबल मुकदस जिसकी तस्दीक करती है जो मुजात यहाँ पर दर्ज हैं हलो वो चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करें मैं एक और मुइजा का यहाँ पर जिक्र करूँगा हम देखते हैं जब यीशु मसीह एक्टिव खिदमत में थे तो एक मुर्दे का जिक्र है जिसका नाम है लाजल मुर्दा लाजह क्या होता है कि वो मर जाता है और उसको कब्र में रख दिया जाता है सब लोग इससे वाकिफ हैं मगर यहां पर हम देखेंगे कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो कितना जोरावर है तो क्या हुआ कि उसकी बहनें रोती हैं मरियम रोती है मारथा रोती है कहती है उस्ताद अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता तो ने कहा कि वो मरा नहीं है उसने कहा मुझे पता है क्यामत के दिन वो जी उठेगा उसने कहा क्यामत और जिंदगी मैं हूं ये वो खुदा है जो क्यामत है ज़िंदगी है सब कुछ उसकी हाथ में है फिर क्या हुआ फिर जब वो कबर के सामने जाता है तो बाइबल बयान करती है कि वो आवाज़ देता है कि लाजर कबर से बाहर हालत या मुर्दा हालत में और बाइबल कहती है कि वो चार दिन का मुर्दा है और हम देखते हैं हमने बहुत से खादमी से ये सुना भी है कि उस दौर में ऐसा होता था कि तीन दिन के मुर्दों को कोई जादूगर या कोई और लोग भी जिंदा कर लेते थे मगर यहाँ पर लिखा गया है कि वो चार दिन का मुर्दा था और अगर जो लोग मेडिकल को जानते हैं मेडिकल लाइन में है उनको इस चीज़ का इलम होगा कि बहत्तर घंटे के बाद जो इंसानी ऑर्गन्स होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं उनमें पानी आ जाता है बू आ जाती है और वो किसी काम के नहीं होते मगर जिस खुदा का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो यक्सा है वो जोरावर है वो हर तरह की कुवत का मालिक है बाइबल बयान करती कि जब खुदाई कदूस यसु मसीह ने लाजर को कहा कि कबर से बाहर आ वो चार दिन का मुर्दा कबर से बाहर आ गया मेडिकल साइंस कहती है कि उसके दिल गुर्दे हर एक बॉडी के ऑर्गन जो है वो मुर्दा हो गए होंगे मगर जब यशु आवाज देता है तो हर एक मुर्दा ऑर्गन फंक्शनल हो जाता है काम करना शुरू हो जाता है तो मेरे अजीजों मेरे बहनों भाइयों मेरा खुदा आपका खुदा यकश है आज भी मुआजात रनुमा होते हैं आज भी जिंदगी तब्दील होती हैं मगर हमें जरूरत इस बात की है कि हम हर रोज़ तब्दील ना हो हम खुदा की जगह इंसान पर तोल करते हैं हम दूसरे जो है साहिब हैसीत को जिसके पास शायद माल हो दौलत हो अख्तियार वसाइल हो हम उस पर ईमान रख लेते हैं और अपने खुदा को छोटा कर लेते हैं ये हरगिज़ अच्छा नहीं है हालेलुया मेरा खुदा हर रोज आपको बरकत देने के लिए तैयार है मगर रिसीव करने वाला इंसान ईमान से आए कि मेरा खुदा मौजूद है और मुझे बदला देगा हालेलुया अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम उम्मीद ईमान कुछ इंसानों पर रख लेते हैं शायद वो जरावर हों मगर वो हमें कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी बरकत फॉर एवर नहीं दे सकते मगर मेरा खुदा जो कोई बरकत देता है वो फॉर एवर है वो जो ब्लेसिंग देता है वो फोर एवर है वो हर हमेशा के लिए कायम रहेगी वो शिफा आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कायम रहेगी और उसके लिए मैं बाइबल में से आपके लिए पढ़ूंगा अगर हम यकूब का जो ख़त देखें उसका पहला बाप और उसकी आयत नंबर अगर सतारा देखें तो यहाँ पर लिखा है जो मेरा खुदा एक कदूस है यसु मसी नासरी जो हमें ब्लैसिंग देता है वो किसी लम्हा भी हमसे हरगिज़ जुदा ना होगी आयत नंबर देखें यकूब का ख़त उसका पहला बाप और उसकी आयत नंबर सतारा है जी यहाँ पर लिखा है हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सब से उस पर शाया पड़ता है हादिया बाइबल बयान कर रही है जो अच्छी चीज़ जो बरकत है वो अच्छी है जो नेमत है वो अच्छी है जो मुआवजा है वो अच्छा है बाइबल मुकदस बयान करती है कि इस दुनिया में जो भी इंसान जो रावर है कोई भी वो जोर के साथ लोगों को ब्लेस करता हो जो भी करता हो मगर बाइबल कहती है जो अच्छी बख्शिश है जो अच्छी चीज़ है इनाम है हम देखते हैं बाइबल मुकदस नाम कहती है उलाद को आसमानी जो अजर है वो उलाद को भी कहा जाता है तो बाइबल कहती है कि जो अच्छी ब्लेसिंग है वो आसमान से है नूरों के बाप की तरफ से है हादलिया और अगली बात कि कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है नूरों का बाप हमारा खुदा कदूस है हादलुया हर एक अच्छी बख्शिश देने वाला वो है और जिसकी अगली बात यहाँ पर लिखी है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है जो खुदा की तरफ से बरकत मिलेगी जो ला तब्दील है हाजुल उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है जो खुदा से हमें बरकत मिलेगी इनाम मिलेगा बख्शिश मिलेगी उसमें एक परसेंट भी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है और लिखे और ना गर्दिश के सबब से उस पर शाया पड़ेगा ना किसी गर्द ना किसी नज़र हमारे में एक कॉन्सेप्ट बड़ा मशहूर है जी कि जो चीज़ हमें मिल गई है वो छुपानी है नज़र ना लग जाए किसी को बताए ना मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमें खुदा की तरफ से बरह रास्त कोई बरकत मिलती है तो उस पर किसी किस्म का साया हो ही नहीं सकता ना वो तब्दील होगी जो ब्लैसिंग आसमान से जारी हो गई है वो एक लम्हा भी अपने जहन में यह ना सोचे कि वापस जाएगी जो खुदा हमें बरकत देता है वो कभी वापस नहीं लेता आदलिया जिस तरह वो अगर हमें रुलकदस देता है तो कभी वापस नहीं लेता आदलिया यकीन जब हम खुदा के ट्रैक से उसके प्लान से हटते हैं तो रंजीदा दूर हो जाता है मगर खुदाबंद जो चीज़ हमें देता है वो कभी वापस नहीं लेता मेरा खुदा कल आज बल्कि अब तक यक्षा है जी आदलिया वो यक्षा है आज हमें भी एक आवाज़ के साथ एक जोश के साथ एक रूह के साथ कला हक पर उसकी सदाकतों पर ईमान रखने की जरूरत है यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है जो बानी है बाइबल कहती है कि मेरा खुदा इस कदर जो रावर है कि उसके वसीला के बगैर कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई हादलिया और लिखा गया है कि वो कहता है कि आसमान मेरा जमी मेरी जमी की सारी ममूरी मेरी है हाल लोहिया इस जमी पर जितनी ममूरी मौजूद है जितनी ब्लैसिंग मौजूद हैं जितनी कामयाबी मौजूद है मेरा खुदा कहता है वो उसकी है हालो लोहिया हर चीज उसकी है और हम अगर मांगें तो उससे मांगे जो देकर हमसे कभी वापस नहीं लेता हालो लोहिया कभी जताता भी नहीं है और कभी छोड़ता भी नहीं है पड़ी से लोड कि मैं तुम्हारा खुदा हूं मैं तुम्हारे साथ हूँ हाल ललिया और वो ला तब्दील है उसने कल आज बल्कि अब तक हमारे साथ रहने का अहद किया है फैज़ल और सिर्फ हमसे डिमांड क्या की गई है अपील क्या की गई है खुदा के कलाम पर चलने की हाल लोलिया हाँ जब हम देखते हैं यसु मसीह इस दुनिया से आसमान पर जाते हैं ज़िंदा आसमान पर उठाए जाते हैं तो वो अपने शगिरदों को जो हुक्म देते हैं वही मैं समझता हूँ हर एक कलिसिया के रुकन के लिए एक अहम जो है वो हुक्म है वो कहते हैं कि जाओ तोबा की मुनादी करो उसके बाद लिखा है कि जो बातें मेरे मुंह से निकली हैं हाल लिया उनकी तलीम दो अगर यीशु मसीह के मुंह से जो बातें निकली हैं हम उन्हीं को सुनेंगे उन्हीं पर अमल करेंगे हाल तो फिर ऐसा होगा कि जो बरक़ात यीशु मसीह के वसीला से बाइबल में लिख दी गई हैं उनको आपकी ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है जो बातें उसके मुंह से निकली हैं उसने कहा कि लोगों की कमजोरियों को दूर करना उनके लिए दुआ करना अब जो ही करना बरकत चाहना दुश्मन के लिए दुआ करना हालेलुया ये वो बातें हैं जो हमारे यीशु मसीह के मुबारक लबों से निकली हैं सिर्फ हमें करना क्या है हमें कलाम की उन सदाकतों पर उस जो खूबसूरत अहकाम हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा हालेलुया हम देखते हैं कि हर चीज़ के दो जो हैं वो रुख होते हैं अगर कोई कह के कि तारीखी है तो वो है हालेलुया अगर हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो फिर भी दो चीज़ें मुमकिन है अगर नहीं चलेंगे तो हम परेशानी में आएंगे अगर चलेंगे तो बरकत मिलेगी हालेलुया क्योंकि खुदा ला तब्दील है उसने कहा है बड़ी ज़रूर उसने कहा है कि जो खुदा के कलाम पर चलेगा वो हमेशा की जिंदगी का वारस होगा ये उसने कहा है और ये भी लिखा गया है कि जब कोई खुदा के कलाम के गेंस होगा तो फिर उसका जो नसीब है वो आग और गंदा क्या अगर यशु के साथ चलेंगे तो क्या होगा फिर बहाली आएगी पहली बात हमारी जिंदगी में बहाली आएगी हमारे खानदानों में आप देखेंगे बहाली आएगी हमारे बिजनेस में बहाली आएगी उसके बाद हमारा रूहानी जो लेवल है वो ग्रो करेगा हालेलुया उसके बाद हमारे पास जो आजकल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है खुशहाली रुपया पैसा ब्लेसिंग्स उलाद वो तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आना शुरू होंगी जब हम खुदा के कलाम पर हकीकी तौर पर अमल करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं सबसे बड़ी बरकत जो बाइबल मुकद्दस बयान करती है जो सबसे बड़ी बरकत है वो क्या है अगर आप मुकाशवा पढ़ें तो है कि आदमियों के खेमा के दरमियान एक जो है खेमा होगा आदल ये आदमी वो लोग होंगे जो खुदा के कलाम पर चलते हैं जी आदलिया जो खुदा के कलाम को इस कदर मानते हैं और वो जानते हैं कि ये ला तब्दील कलाम है जिसके वसीला से हमें जिंदगी मिलेगी और मेरी नज़र में सबसे बड़ी ब्लैसिंग यह है कि जब आदमियों के खैमा के दरमियान खुदा का खैमा मौजूद होगा हालिया उससे बड़ी ब्लैसिंग कोई नहीं है किसी भी रूहानी शख्स के लिए कि वो अपने यसु मसी नासरी को अपने सामने देखेगा सबसे बड़ा जो ब्लैसिंग का जो मरकज है वो हमारा यीशु मसीह है और बाइबल कहती है कि जब इंसान यीशु मसीह में ज़िंदगी बसर करेगा तो आखिरत में उसका खैमा यीशु मसीह के खैमा के सामने होगा हालेलुया और दूसरी बात अगर हम नहीं करेंगे तो बाइबल कहती है कि दूसरी मौत तैयार है वो शिकंजा तैयार है वो बेचैनी वो हर किस्म की लागतों की तस्वीर मौजूद है और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ जो यीशु मसीह में ज़िंदगी बसर नहीं करते वो इस दुनिया में भी अजियत लेते हैं बीमार रहते हैं परेशान रहते हैं मुसीबतों में कमियों में घाटों में नाकामी हमेशा उनके घर में डेरे डाले हुए हैं मगर जो मसीह यसु में हैं वो खुशहाल हैं हाँ तो जिस तरह मैंने कहा कि मेरा खुदा यक्षा है पड़े जलोन और वो बरकत जारी कैसे करता है सिर्फ करना क्या है करना ये है कि यसु मसीह के कलाम के मुताबिक तोबा करनी है अपने आप को गुनाहों से फेर लेना है और उसके बाद अहद करना है कि खुदा मैं कलाम के मुताबिक मैं कलाम की हर वो बात जो तेरे मुंह से निकली है ज़िंदगी उस पर बसर करूँगा उस प्लान पर चलूँगा जो कलाम हक़ मुझे देता है और मुझे सिखाता है कि मेरे खुदा ने कल भी मुआजात किया आज भी करेगा मेरे लिए भी करेगा और मेरे वसीला से भी करेगा अगर हम इस ईमान से तोबा करें इस ईमान से खुदा के करीब आ जाएँ तो अजीज़ों ये आपका लमह होगा उसी लम्हा खुदा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग ले आएगा खाल उसी लम्हा आप रिहाई पाना शुरू हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में एक अजीब और जलाली तसली आ जाएगी जो इस चीज़ की जो ज़मानत है कि खुदाबंद ने आपको छुआ है और फिर आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में आस्था आस्था बहाली आना शुरू हो जाएगी हाल इस बात को याद रखें कि मेरा खुदा जो है मुझे बरकत देने के लिए आया यीशु मसीह ने जाल देने के लिए आया वो आपको खुशहाल करने के लिए आया आपको मुखलसी देने के लिए आया किसी लम्हा भी वो हमें अजियत या मुश्किल में डालने नहीं आया तो हमें चाहिए भी ये कि हम उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और जो बख्शिश उसने हमने देनी है उसको हम अपनी ज़िंदगी में हासिल रखें हालेलुया तो मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप खुदा के अच्छे बेटे बेटियाँ बने और उसकी तमाम तर बरक़ात आपकी ज़िंदगी में मूव करें तो मैं आपके लिए मुख्तर सी दुआ करूँगा प्रेज और हालाया खुदा एक दूस पाकरू मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए पैगाम के लिए तूने मुझे अपनी कलिसिया के साथ शेयर करने के लिए दिया पाकरू मैं चाहता हूँ कि हम जाने कि तू ला तब्दील खुदा है तू य है तो पाकरु हमारे लिए बरकतें लेकर खड़ा है मेरे खुदा तू चाहता है कि हम तुझे वेलकम करें तेरे कलाम पर ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने आप को तैयार करें तो खुदा के दूस मैं चाहता हूँ कि मुझ समेत जितने लोग देखें वो सब तेरे जलाल को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें और तेरे साथ ज़िंदगी बसर करने का अहद करें और पाकरू अब भी और आखरत में भी बहुत सी बरक़ात को रिसीव करने का सबब बने मैं तेरा खादम होते हुए पाकरू इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ किंग टेलीविजन के लिए बरकर चाहता हूँ पाकरू हम सबको ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर ताकि हम और रूहों को तेरे गला में शामिल करें यसु नाम में अमैन हालेलुया